होली हो या दिवाली, नमकीन तो हम सभी के घर पे बनते ही हैं। तो इस नमकीन को बनाने के लिए हम एक बोल में डालेंगे मैदा, अजवाइन, नमक, घी और सबको मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो तेल भी यूज़ कर सकते हैं और सबको इस तरह से मिक्स कीजिए और मुट्ठी बांध कर देखिए। अगर बन रहा है मतलब अपने मोइन ठीक डाला है। और पानी डालकर इसका एक टाइट डो तैयार कर लीजिए अच्छी तरह से गूंथ कर। मैंने इसका एक डो तैयार कर लिया है। अब इसके दो भाग कर लेंगे हम और इस तरह से बेल लीजिए और किसी भी बॉटल की कैप से इस तरह से इसे आगे बढ़ते हुए काटते जाइए। देखिए ये काजू की तरह बिल्कुल दिख रहा है ना, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हुए इसे काट लीजिए। इसे काटने में थोड़ा टाइम तो लगता है लेकिन ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं, दिखने में इतने क्यूट जो लगते हैं। तो दूसरा लाइन भी इसी तरह से काटिए। सबको मैंने काट लिया है इसी तरह से। ऑयल गरम करेंगे और इसे मीडियम फ्लेम पर लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। अब एक मसाला तैयार करेंगे जिसमें काला नमक, लाल मिर्च का पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और चाट मसाला डालकर मिक्स कर लेंगे। और जब ये काजू नमक पारे फ्राई हो जाए तो इसे निकाल लीजिए और जब ये गरम हो तभी इसमें हम मसाले को डालकर मिक्स करेंगे। गरम होने की वजह से इसमें मसाले अच्छे से चिपक जाते हैं और ये कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं आप सुन सकते हैं। तो लीजिए हमारे काजू नमक पारे रेडी हैं। आप इस दिवाली पे इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।